पूरे विश्व की बनाते हैं T20 इंटरनेशनल टीम, लेकिन उसमें हर देश का हो सकता है सिर्फ एक ही खिलाड़ी। ये चैलेंजिंग है बॉस, बहुत बहुत चैलेंजिंग है। एक्चुअली पसीने छूट गए मेरे कुछ, लिटरली गर्मी ज्यादा हो गई, और दूसरा ये जब बनाने बैठे तो सर घूम जाता है। आपको लगता है आसान है, एक पेपर पेन लेके बैठो और बनाओ जरा टीम, दिखाओ मुझे। हर टीम का सिर्फ एक ही खिलाड़ी हो सकता है, यानी कि कोहली, बुमराह, रोहित में से किसी आप एक को चुन सकते हैं, जोफ्रा, स्टोक्स, बटलर में से आप किसी एक को चुन सकते हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, वार्नर, फिंच में से किसी आप एक को चुन सकते हैं। आप सबको नहीं चुन पाएंगे, ए बी रबाडा, क्विंटन डीकॉक, वेस्ट इंडियन खिलाड़ी, यानी किस किस को कैसे कैसे चुनोगे, बहुत मुश्किल होने वाला है। तो फिर काम बड़ा कठिन है, तभी तो करने योग्य है, आसान काम सभी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डेविड वार्नर मेरी टीम में, सबसे पहले मैंने डेविड वार्नर को पिक किया है। एरन फिंच के आंकड़े इनसे बेहतर है, लेकिन मुझे लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोसिव बैट्समैन मुझे बहुत पसंद है। डेविड एक्सप्लोसिव वार्नर इज इन माई साइड, क्या ये आपकी टीम में होंगे बताइएगा। बाहर रखना वैसे कठिन है इनको, इनके साथ मैंने रखा है जॉस बटलर को, इंग्लिश खिलाड़ी जॉस बटलर, जो धो देते हैं भाई ये गर्मा गर्म परोसते हैं और बहुत चौके छक्के लगाते हैं। तो ये हुए मेरे दो खिलाड़ी, डेविड वार्नर, जॉस बटलर। नंबर तीन पे मैं पिक कर रहा हूँ, इसी गप्टन और मनरो के बीच में सोच रहा था कि न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को पिक किया जाए। आई एम गोइंग विद मनरो। सो लेफ्ट राइट लेफ्ट मेरे तीन नंबर पे खिलाड़ी हैं कॉलिन मनरो। एट नंबर फोर आई हैव गॉट बाबर आजम। तो बाबर आजम एट फोर भैया मैंने इसलिए पिक किया है, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि गुरुजी इन्होंने चार पे बाबर आजम ले लिया है, इन्होंने तीन पे मनरो को ले लिया है, वार्नर और बटलर को ले लिया, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली तो इस टीम में है नहीं। यू गेस इट राइट, नहीं है मेरी टीम में इनका। मैं मतलब जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक ही भारतीय को ले सकता हूँ, तो मैंने उनको नहीं अपनी टीम में लिया है। स्लाइटली सैड बट व्हाट डू आई डू, आई कांट हेल्प इट। नंबर पांच पे मैंने पिक किया है ए बी डी विलियर्स को, मतलब साउथ अफ्रीका के मतलब धुरंधर खिलाड़ी को मैंने पिक किया है एट नंबर फाइव, और वो T20 वापसी करने वाले हैं, तो इस उम्मीद के साथ, इस हौसले के साथ इनको मैंने अपनी टीम में पिक किया है। तो दो राइट हैंडर जरूर हो गए, लेकिन इनके बीच में हम शाकिब अल हसन को भेज सकते हैं, या फिर शाकिब अल हसन को रोक सकते हैं। तो अपने पड़ोसी शाकिब अल हसन जी को एक नंबर छः पे हमने इस टीम में जगह प्रदान की है, हालांकि अब टीम मुझे अच्छी लग रही है वैसे। देखिए आप अपनी टीम में क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं 6 या 7 बोलिंग ऑप्शन हो, आप चाहते हैं कि नंबर 7 या 8 तक बल्लेबाजी हो, और मैंने वही करने का प्रयास किया। एट नंबर 5 आई हैव गॉट एबी, एट नंबर 6 आई हैव गॉट शाकिब, एट नंबर 7 आई हैव गॉट आंद्रे रसल। आंद्रे रस, आंद्रे अंदर गेंद बाहर, ऐसा काम वो बहुत बार करते हैं। तो उनको अगर मैं टीम में रखता हूं, तो देखिए शाकिब मुझे बोलिंग भी देते हैं, आंद्रे रसल मुझे बोलिंग भी देते हैं, मैं इनको बैटिंग ऑर्डर प्रमोट भी कर सकता हूं, इनको मैं पिंच हिटर के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं। अब नंबर 7 तक तो एकदम ये तगड़ी होगी मेरी बल्लेबाजी। नंबर 8 पे मैंने रखा है एक और ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग भी कर सकता है, नाम है इसका राशिद करामाती खान। करामाती खान की देखिए बैटिंग दुरुस्त है, गेंदबाजी में इनका कोई सानी है नहीं, रन अवे मैच विनर, लेग स्पिनर पार एक्सीलेंस, ही इज इन माय साइड एट नंबर 8। एट नंबर 9 आई वाज थिंकिंग कि यार किस तरफ जाऊं, क्योंकि हर देश सिर्फ एक ही खिलाड़ी पिक कर सकता हूं। रिमेंबर मेरे पास ये बहुत बड़ा हैंडीकैप है, आई एम गोइंग विद अपने पड़ोसी नेपाली ब्रदर संदीप लामी छाने, लेग स्पिनर। दो दो लेग स्पिनर्स के साथ मैं उतरने वाला हूं, यानी कि पास होंगे तीन स्पिनिंग ऑप्शंस। आई हैव गॉट शाकिब, आई हैव गॉट राशिद, आई हैव गॉट संदीप लामी छाने, सो मेरे पास ये तीन स्पिनर्स हैं। आंद्रे रसल द बोलर ऑलरेडी है फास्ट बोलिंग ऑप्शन के रूप में, आई एम पिकिंग टू मोर फास्ट बोलर्स जिनका कोई आसपास कोई खटकता नहीं है। एक का नाम है जसप्रीत बुमराह, बूम बूम दी ओनली इंडियन इन द साइड, ओनली इंडियन क्या, एक ही इंडियन हो सकता है, तो वो इंडियन जो है यहाँ पे बाजी मार गए हैं जसप्रीत बुमराह, और एक हमारे श्रीलंकन है उनका नाम है लासिथ मलिंगा। तो ये रही मेरी टीम, वार्नर, बटलर, मनरो, बाबर, ए बी, शाकिब, आंद्रे रसल, राशिद खान, संदीप लामी छाने, जसप्रीत बुमराह और लासिथ मलिंगा। अब बनाओ यार अपनी टीम, आप भी अपनी टीम बनाइए और फिर आपस में मैच खेलते हैं कि आपकी टीम बेहतर है या मेरी टीम में ज्यादा है दम। अभी के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और सैटरडे स्पेशल क्या आने वाला आकाशवाणी, बताओ 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 बताओ। नेहरा जी आ रहे हैं, जी हाँ आशी नेहरा से एक बड़ी लंबी से मैंने बातचीत की है, उसका पहला पार्ट जो है वो मैं आपको कल दिखाऊंगा, और उसके बाद संडे को कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आऊंगा। अरे ये तो राइमिंग होगी, तो बन गई। चलो आप जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।